नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी अजनबी शहर में जाते हो और आपका पर्स चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, आपके पास कुछ सारा सामान चोरी हो जाता है, उस केस में आप बैंक अकाउंट से, अपने खुद के बैंक अकाउंट से किस तरीके से पैसे निकलवा सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है तब आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंटली ज़रूरत होती है पैसों की, कि बोले अजनबी शहर पे जहाँ कोई भी आपको नहीं जानता। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसको कभी ना कभी अपने घर के बाहर नहीं जाना पड़ता। कुछ लोगों को स्टडी के लिए जाना पड़ता है, कुछ लोगों को जॉब करने के लिए जाना पड़ता है। इस तरह कोई भी कारण होता है जिसके अंदर आपको अपना सारा लगेज लेके शहर के बाहर जाना होता है, और पर्स चोरी होना एक आम घटना है, खासकर भारत में, जहाँ पर अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो मोबाइल चोरी हो जाए। मेरा खुद का एक दो बार दिल्ली की जो रोडवेज जो बसें होती हैं, लोकल बसेस, वहाँ पर मेरा पर्स और मोबाइल चोरी हुए हैं। लेकिन अब देखिए, अब इस केस में अब आपको क्या करना है, मुझे आखिर बेसिक चीज़ है वही है। देखो, दो तरीके हैं अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हो। दो तरीके हैं। पहला कि आपको आपका आधार नंबर याद है, सिर्फ आधार नंबर याद है, आधार नंबर होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आधार नंबर याद है। दूसरा कि आपको अपना आधार नंबर याद नहीं है। तो हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम पहला केस डिस्कस करते हैं, उस केस में जहां आपको आपका आधार नंबर याद है। अगर आपको आपका आधार नंबर याद है तो आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ जहाँ भी आप हो जिस शहर में, वहाँ ई मित्र, CSC पॉइंट, SBI कस्टमर सर्विस पॉइंट या किसी और बैंक का सर्विस पॉइंट, आजकल हर गली नुक्कड़ पे ये मिल जाते हैं, वहाँ आप किसी भी उस सेंटर पे जाइए। अगर आप उस सेंटर पे उसको आप अपना सिर्फ आधार नंबर बताएंगे तो वो बायोमेट्रिक AEPS के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकलवा देगा। आपको सिर्फ CSP पॉइंट पर, SBI CSP पॉइंट या किसी भी पॉइंट पर सिर्फ अपना आधार नंबर बताना है, बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट हो जाता है और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ये एक बड़ा सिंपल सहज है, 12 डिजिट का आधार नंबर। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको हमेशा याद रखें, 12 डिजिट का आधार नंबर, तो आपको सिंपली पैसे मिल जाएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगी अजनबी शहर में। कि आपका जो वापस आने का खर्चा वगैरह, जो लॉस हो गया वो तो हो ही गया, उसमें तो क्या कर सकते हैं। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, उस केस में जहाँ आपको आपका आधार नंबर याद नहीं है, आप निहत्ते हो, बिना किसी सामान के, बिना मोबाइल के, बिना पर्स के, अजनबी शहर में, और आपको आपका आधार नंबर भी याद है। इस केस में क्या करना है कि आपको आपका आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन आधार कार्ड डाउनलोड हर जगह नहीं होगा। आधार कार्ड डाउनलोड होगा आधार सेवा केंद्र पर। आधार सेवा केंद्र पर आपको फिगर आउट करना है, जहाँ भी आप खड़े हुए हैं वहाँ पर नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र कौन सा है। देखिए, जनरली मैं आपको बता दूं, जो बड़ा पोस्ट ऑफिस होगा वो आधार केंद्र सेंटर होगा, SBI की जो बड़ी ब्रांचें होती है वो आधार केंद्र सेंटर हो सकती है, या पूरी की पूरी शॉप आधार केंद्र सेंटर हो सकती है। इसकी जानकारी के लिए भी आप किसी भी ई मित्र वाले के पास चले जाइए, वो आपको गाइड कर देगा कि नियरेस्ट आधार केंद्र सेंटर कौन सा है। हाँ, लेकिन अब ये नहीं है कि आधार केंद्र सेंटर पर जाते ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट से लिंक है, तो आपको तीन चीज़ें एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। पहला तो आपको आपका नाम एग्जैक्टली याद रहना चाहिए, कि आधार कार्ड में जो नाम था, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी भी तो वो स्पेलिंग वाला के नाम था, वो आपको याद होना चाहिए। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या थी। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस में जो पिन कोड डला था, सिर्फ पिन कोड, वो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, और ये तीनों चीज़ें अगर आप आधार कार्ड सेंटर में देते हैं, तो वो आपके फिंगरप्रिंट निकाल के वो एग्जैक्टली आपका आधार कार्ड डाउनलोड करके दे देंगे। और जनरली 30 रुपये से 50 रुपये लगते हैं, वो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे ही आपको आधार कार्ड मिलेगा आप अपना पेमेंट कर देंगे, पेमेंट बायोमेट्रिक से पेमेंट निकालने के बाद आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो जन सेवा आधार केंद्र पर आप ऐसे ही सेंटर पर जाइए जहाँ पर पैसे विड्रॉल करने की भी सुविधा हो। होगा क्या कि वो जो चार्जेस रहेंगे 30-40 रुपये, उसको आप ये तो बोल सकते हो कि सर मेरा अकाउंट है, मैं उस अकाउंट से पैसे निकाल के आपको दे दूंगा। सिचुएशन बताओगे तो कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा। आप किसी भी उस पर, फिर अगर आपके पास नहीं, किसी भी आधार कार्ड आपका डाउनलोड हो गया, अगर वो वहाँ पर पैसे नहीं निकलते, तो किसी भी SBI CSP पॉइंट, CSC पॉइंट, ई मित्र,
रिटेल आउटलेट जो रहते हैं अलग अलग बैंकों के, आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ आपको आसानी से वो लोग पैसा निकाल देंगे, क्योंकि AEPS आधार इनेबल्ड सर्विसेज होती हैं। आधार इनेबल्ड सर्विस में सिर्फ आपको आपका बायोमेट्रिक यूज़ करके सिस्टम ऑथेंटिकेटेड रहता है, कोई फर्जीवाड़ा हो नहीं सकता, और आपको कोई भी पैसे निकाल के दे देगा। आपको यहाँ तक कि अपनी खुद की ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो बैंक है कि आप उस ब्रांच में जाके बात कर रहे हैं कि साहब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, आप आधार ई मित्र पर जाइए, आपका सारा काम हो जाएगा बेफिक्र होकर। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। इन केसेस में आप इजीली अपना पैसा निकलवा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आधार विड्रॉल बायोमेट्रिक एक ऐसा डिवाइस है जो आपके आपके फिंगर्स को कैप्चर करता है, और दुनिया में किसी के भी फिंगर प्रिंट सेम नहीं होते। आप दुनिया में अरबों में किसी एक के फिंगरप्रिंट सेम हो सकते हैं, बाकी जनरली नहीं होते। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर पैन इंडिया पैन पर्सनल लोन और बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड्स रिलेटिव की फाइल हमें रेफ़र करते हैं तो हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं। आज की डेट में ऐसे हजारों लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो पर्सनल लोन की फाइल हमें रेफ़र करते हैं अपने दोस्तों की, और हम उनको 2% तक कमीशन देते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कितने बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। अब फ्रेंड्स, एक चीज़, अब मान के चलिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते कि आपके बैंक अकाउंट में भी बैलेंस नहीं है, तो अब आप क्या करें, एक जनरल चीज़ ये करें कि आप जहाँ पर भी हो, वहाँ किसी भी छोटे मोटे शॉपकीपर को आप अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओगे ना, और फिर उससे एक रिक्वेस्ट करोगे कि सर मैं आप अपना QR कोड मुझे दे दीजिए, मैं अपने रिलेटिव को QR कोड व्हाट्सअप कर देता हूँ, वो आपको पेमेंट कर देगा। मतलब ये कि आप दिल्ली से लखनऊ गए, लखनऊ में सब कुछ भूल गए, लखनऊ में किसी भी शॉपकीपर को आपने कहा, पूरी बात बताई, आपके दिल्ली में आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव, उनको आप उसका QR कोड भेज दो, वो QR कोड से पेमेंट कर देंगे और शॉपकीपर आपको पेमेंट बैक कर देगा। इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। ये भी एक तरीका है, ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वो आइडिया मैं दे दूं। अब फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि SBI CSP पॉइंट से आप किस तरीके से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, वो वीडियो ऊपर आप क्लिक करके देखेंगे तो मैं खुद एक CSP पॉइंट पर गया था, मैंने वहाँ पर किस तरीके से विड्रॉ करे वो मैंने पूरा लाइव वीडियो बताया है। क्योंकि जब मैं SBI में काम करता था तो दीपक मेरा CSP था मेरी ब्रांच से अटैच, तो मैं उसके वहाँ पर जाकर मैंने पूरा का पूरा पूरा प्रोसेस फॉलो किया और पैसे विड्रॉ करें, तो उसका एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो बहुत अच्छा वीडियो है, आप देख सकते हो ऊपर क्लिक करके।